हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली किकान और हम बात कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की। आज हम देखेंगे कि क्लीन रूम क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने वर्ड यूज करा था, क्लीन रूम बहुत कॉस्टली होते हैं, राइट? सो क्लीन रूम वर्ड जो है वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में, और देखेंगे क्लीन रूम को यूज करने के प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। सो क्लीन रूम को डिटेल में देखने वाले हैं एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड। सो क्लीन रूम एंड क्लीन रूम प्रोटोकॉल्स देखेंगे आईसी प्रोडक्शन के लिए इस वीडियो में। क्लीन रूम होता क्या है बेसिकली वो हमें देखना है। अभी तक हमने देखा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि जो यील्ड होती है वो डिपेंड करती है कि कितने डिफेक्ट्स हैं, और डिफेक्ट्स कब आते हैं, जब कोई पार्टिकल आकर हमारे वेफर के ऊपर बैठ जाता है। जब हमारा ये बेसिक रूम है, रूम के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट? अभी मैं जिस रूम में हूँ, आप जिस रूम में हो, यहाँ पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपको सनलाइट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। सो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं रूम में, कभी हमें दिखते हैं कभी हमें नहीं दिखते हैं, बट अगर ये फैब्रिकेशन यूनिट के अंदर है, ये जहां पर जिस रूम के अंदर फैब्रिकेशन है वहां पर है ये, तो ये वेफर के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और हमारे यील्ड को कम कर देंगे। सो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत कम है। सो पार्टिकल्स किल्स द यील्ड, ये अब हमें पता लग गया है, तो हमारे को आईसी फैब्रिकेशन करना पड़ता है क्लीन रूम के अंदर जहां पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत कम है। क्लीन रूम क्या है, क्लीन रूम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर पार्टिकल काउंट बहुत कम है। जो डस्ट पार्टिकल है वो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स हम क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस रूम। तो ये रूम कैसा हो जाएगा, एक क्लीन रूम हो जाएगा। लेट सपोज इस रूम के अंदर 1 लाख पार्टिकल्स है। अब मैं 1 लाख से बोलूं आप सिर्फ 100 पार्टिकल्स लेकर आइए इस रूम के अंदर, तो आप बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह यूज करेंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, जिसकी वजह से ये रूम बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स चले जाएंगे, और नाउ वी कैन डू द प्रोडक्शन इफेक्टिवली ओवर हियर। प्रोडक्शन ज्यादा यील्ड के साथ अच्छे क्लीन रूम में ही हो पाएगा। सो फर्स्ट क्लीन रूम किस लिए यूज करा गया था, इट वॉज यूज फॉर सर्जरी। किस लिए, जिससे कि बैक्टीरिया से कंटेमिनेशन ना हो, बट लेटर ऑन ये वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने लग गया। इट वॉज अडॉप्टेड इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री इन 1950 के बाद सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री क्लीन रूम्स को यूज करने लग गई। किस लिए, अपनी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। जो स्मॉल डिवाइसेस होते हैं उनको हायर ग्रेड क्लीन रूम चाहिए होता है, इसी वजह से आई कैन से जो स्मॉल टेक्नोलॉजी होती है, स्मॉल डिवाइस की जो टेक्नोलॉजी होती है वो कॉस्टली होती है। अगर मैं ऐसी कॉस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं जो हम बड़े डिवाइसेस बना रहे हैं, बल्कि डिवाइसेस बना रहे हैं, तो उस केस में इतनी यील्ड खराब नहीं होगी और पार्टिकल काउंट ज्यादा रह सकता है, राइट? बट अगर मैं स्मॉलर एंड स्मॉलर टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, उस केस में एक छोटा पार्टिकल भी बहुत ज्यादा यील्ड खराब कर सकता है, तो हमें बेटर ग्रेड क्लीन रूम चाहिए होगा। क्लीन रूम्स के भी ग्रेड्स होते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं। जब हमारे पास जितने कम पार्टिकल्स होते हैं रूम के अंदर, उतना ही एक्सपेंसिव होता जाता है क्लीन रूम को बनाना, राइट? अगर 1 लाख से अगर आपको 100 पार्टिकल लेकर आने हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा आपको फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। अभी हम क्लीन रूम के अंदर डिटेल में नहीं जा रहे कि कैसे हम पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यू शुड नो कि पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, राइट? सो 1 लाख से अगर मैं बोलूँ 50,000 पार्टिकल लाने, तो ये ईजी है, बट 1 लाख से 100 पार्टिकल्स लेकर आने, 50 पार्टिकल लेकर आने है, बहुत डिफिकल्ट है। सो जितना ज्यादा आप कम करते जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उतना ही एक्सपेंसिव होता जाएगा क्लीन रूम बनाना। देर आर द वेरियस क्लासेस ऑफ द क्लीन रूम। अगर क्लास 10 की बात करें, तो क्लास 10 का मतलब है कि लेस देन 10 पार्टिकल विद डायमीटर ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक फुट। सो यहाँ पर क्लास 10 जो हमारे पास क्लीन रूम है, उसके अंदर 10 पार्टिकल से भी कम होंगे जिनकी डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक फुट है। क्लास 1 के अंदर सिर्फ ऐसा एक ही पार्टिकल होगा जिसकी डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक फुट है। 0.18 mm डिवाइसेस अगर हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्लास 1 ग्रेड क्लीन रूम चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से आई कैन से 0.1 mm डिवाइसेस जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 1, क्लास 10, क्लास 100, क्लास 1000, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम क्लास की साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, राइट? सो इफेक्ट
ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द मास्क. आप देख पा रहे हैं कि जैसे पार्टिकल्स होंगे तो पार्टिकल से क्या होएगा, पार्टिकल से यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने लगेगी. सबस्ट्रेट के ऊपर जो फिल्म है, फिल्म में यहाँ पर अगर हमें रिमूव करनी थी फिल्म, जहां जहां पर लाइट जा रही है वहां वहां पर फोटोरेसिस्ट फिल्म रिमूव हो जाती है. फोटोरेसिस्ट फिल्म क्या होती है, जहां से लाइट है वहां से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है और वो वहां से मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बॉन्ड्स लूज हो जाते हैं और वी कैन रिमूव इट. तो जहां पर हमें उसे नहीं हटाना है वहां पर हम ब्लैक कोटिंग कर देते हैं एक ग्लास जैसे मटेरियल के ऊपर, और उसी ग्लास के ऊपर अगर एक पार्टिकल आ गया तो उसके नीचे भी फोटोरेसिस्ट की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, यहाँ पर भी फोटोरेसिस्ट रह जाएगा. इट इज कॉल्ड स्टम्प ऑन फोटोरेसिस्ट. सिमिलरली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फोटोरेसिस्ट के अंदर एक होल बन गया है ड्यू टू दिस पार्टिकल. तो पार्टिकल से हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है. यहाँ पर अगर हम डोपिंग करवाएं, डोपिंग क्या हो रही है, यहाँ पर हमारे पास सोर्स और ड्रेन बन रहा था. तो डोपिंग कराने के लिए हमने क्या करा था, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर हमने ऑक्साइड लेयर बनाई थी, फोटोरेसिस्ट लेयर बनाई थी, और यहाँ पर गैप बना दिया था, एचिंग कर दी थी. एचिंग करने के बाद यहाँ पर ये जो सिलिकन था वो एक्सपोज हो गया था. अब इस एक्सपोज सिलिकन में हम आयन बीम फेंकेंगे, राइट, आयन इम्प्लांटेशन करेंगे, जिससे या तो बोरोन और फॉस्फोरस आयन्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर बॉम्बार्ड करेंगे और बोरोन और फॉस्फोरस यहाँ पर अंदर इम्प्लांट हो जाएगा. सो अगर यहीं पर ही कोई कंटेमिनेटेड पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है, तो उसके डस्ट पार्टिकल के नीचे हमारे बोरोन या फॉस्फोरस नहीं जा पाएगा, जिससे हमें पार्शियली इम्पार्टेड जंक्शन मिलेगा. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. सो अब क्लीन रूम का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हमें समझ आ गया कि पार्टिकल्स बहुत बड़ा डैमेज कर पा रहे हैं हमारी जो फाइनल आईसी है उसके स्ट्रक्चर में. सो हमें क्लीन रूम के स्ट्रक्चर चाहिए. सो क्लीन रूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर हम बहुत सारे फिल्टर्स यूज कर रहे हैं. देख यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वी हैव द वेरियस फिल्टर्स, राइट. तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोसेस टूल एरिया है, जहाँ पर ये पर्सन है जाकर कुछ कुछ काम कर पा रहा है ऑन द वीएलएसआई फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. अब क्या है यहाँ पर इक्विपमेंट एरिया है क्लास 1000 का, यहाँ पर भी इक्विपमेंट एरिया है क्लास 1000 का, उसी के अंदर हम प्रोसेस टूल बनाते हैं, राइट. पंप्स, फिल्टर्स, ये सब यूज कर हमने यहाँ पर क्लास 1000 हमने क्लीन रूम बना दिया है. सो बिफोर गोइंग टू द क्लीन रूम क्या होता है, हमारे पास ये जो है हमारा एंट्रेंस है, राइट. हमारे पास एंट्रेंस होएगा. सबसे पहले एंट्रेंस के अंदर हमारे पास शेल्स होंगी, शेल्स के अंदर ग्लव्स होंगे, हेयर मास्क होंगे और शू कवर होंगे. सबसे पहले आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको हेयर मास्क लगाना है, शू कवर पहनना है, जिससे कि आपसे कुछ पार्टिकल्स अंदर ना चले जाए. अगर आप भी कैरियर बन जाएंगे पार्टिकल के तो अंदर का पार्टिकल काउंट इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है, राइट. सो ग्लव्स पहनिए, हेयर मास्क लगाइए, शू कवर लगाइए, एंड यहाँ पर जो बेंचेस होते हैं उस पर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर गाउन रैक्स होते हैं. गाउन रैक्स में आपको अपने कपड़ों के ऊपर एक गाउन पहनना होता है, और गाउन पहनने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पोजल बिन्स हैं, जहाँ पर आप कुछ अगर आपके पास डिस्पोजेबल सब्सटेंस है यू कैन सेंड टू ओवर हियर. और यहाँ पर अगेन ग्लव्स की शेल्फ्स हैं, और फिर यहाँ से एंट्रेंस होता है क्लीन रूम के लिए, राइट. यहाँ पर वॉश और क्लीन स्टेशंस भी, इफ यू वांट टू वॉश योर हैंड्स और योर फेस, तो वो भी आप कर सकते हैं. यू कैन यूज द मास्क ऑन फेस एज वेल, मास्क भी फेस पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्रीदिंग के साथ भी कोई पार्टिकल्स ना चले जाए क्लीन रूम के अंदर. सो जो आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस मॉड्यूल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट. सो सबसे पहले हमारे पास थिन फिल्म ग्रोथ डेपोजिशन और केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग होता है, देन फोटोलिथोग्राफी, एचिंग, पीआर स्ट्रिपिंग, आयन इम्प्लांटेशन, पीआर स्ट्रिपिंग, द रैपिड थर्मल एनीलिंग और डिफ्यूजन. ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब जो प्रोसेसेस होती हैं, ये सब क्लीन रूम के अंदर होती हैं, राइट. सो अब ये सारे प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो सब प्रोसेसेस के लिए वी रिक्वायर द क्लीन रूम. सो यहाँ पर ये जो फैब्रिकेशन फ्लोर है, अब जैसे ही हम क्लीन रूम के अंदर घुसे तो यहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट एरियाज होते हैं, राइट. ये जो मेरे पास ग्रे कलर में दिख रहा है, ये जो हमारे पास है इक्विपमेंट एरिया है. ग्रे कलर के साथ में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये हमारे प्रोसेस बे है. ये हमारा कॉरिडोर है, जहाँ से हमने कॉरिडोर में हम एक प्रोसेस बे के से दूसरे प्रोसेस बे तक जा सकते हैं, या एक इक्विपमेंट एरिया से दूसरे इक्विपमेंट एरिया तक मूव कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास क्या होएगा, स्लाइडिंग डोर होएगा. स्लाइडिंग डोर से हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं. ये जो था ये हमारा गाउनिंग एरिया था, गाउनिंग एरिया से कॉरिडोर की तरफ हम मूव कर सकते हैं. सो
ये है हमारा फैब्रिकेशन फ्लोर है। एक फैब्रिकेशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस बेस और इक्विपमेंट एरियाज होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्लीन रूम क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड है और इससे क्या हमें फायदे हैं, एडवांटेजेस समझ आए होंगे। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।